दोस्तों, एक छोटा बच्चा आइसक्रीम वाले के पास जाकर उनसे आइसक्रीम मांगता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो अपने जेब से तो पैसे निकालता है लेकिन उदास होकर आइसक्रीम वापस लौटा देता है। और वो उस पैसे को बचाकर एक कांच के गुल्लक में रख देता है और रद्दी वाले के पास जाकर ढेर सारी रद्दी और अपनी पुरानी किताब बेच देता है और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हें भी गुल्लक में भर देता है। वहां तक कि वह खुशी से एक बैलून लेता है और जब उससे बैलून वाला पैसा मांगता है और फिर अपना मन मानकर उस बैलून को वापस दे देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते करते अब उसका गुल्लक पूरी तरह से भर जाता है। आज वो बहुत ज्यादा खुश था और वो उस गुल्लक को लेकर दुकान जाता है और दुकानदार को पूरा गुल्लक थमाकर एक डॉल खरीदता है। और जब रक्षाबंधन के दिन जब उसकी बहन उसे राखी बांधती है तो वो उसे गिफ्ट में वही डाल देता है जो उसकी बहन को बहुत दिनों से पसंद थी, पर पैसे ना होने के कारण वो उसे नहीं ले पाई थी। लेकिन उसके भाई ने अपने पैसे बचाकर उसके लिए ये डॉल खरीद दिया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। एक पिता अपने दो बच्चों को जंगल में अकेले छोड़ करके चले जाते हैं और इधर दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तभी भाई बोलता है कि मैं कहीं से खाना लेकर आता हूँ, तुम इधर ही रुको। ये सब दूर से दो सांप देख रहे थे और दोनों सांप लड़की के पास जाते हैं। लड़की दोनों सांपों को देखकर वहाँ से भागने लगती है और तभी नागिन उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है क्यों भाग रही हो, और बोलती है डरो मत, हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। और इधर भाई अपनी बहन के लिए खाना लेकर आता है तो देखता है वहाँ पे बहन है ही नहीं। फिर वह अपनी बहन को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसके सामने एक कटी हुई चुड़ैल आ जाती है और उस लड़के से कहती है तुम्हारी बहन मेरे पास है और बोलती है तुम मेरे साथ चलो। लड़का बिना कुछ जाने चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है और तभी उसकी बहन उसे देख लेती है और उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर उसके बाद चुड़ैल के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूंगा। हे भोलेनाथ, उसकी माता पिता की आयु बढ़ा देना जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। और आप किस फोन से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और तभी वहां नागिन आ जाती है और लड़के को बचा लेती है और उस चुड़ैल को मार देती है। मैरी ने जो चूहे को खाना दिया था वो सारी बात सुन लेता है और जाकर बाकी जानवरों को इस रोशनी के बारे में बताता है। वो सभी जानवर पहली बार उस तेज चमकते तारों को देखकर हैरान होते हैं और उस चमकते तारे को एक गधा दिखता है जिसका नाम है वो, जो अपने पिता के साथ बहुत मेहनत का काम करता था। वो अपने पिता से कहता है ये चमकता तारा मेरी किस्मत चमकाएगा, क्योंकि वो का एक ही सपना रहा है शाही सवारी का हिस्सा बनने का। लेकिन उसके पिता कहते हैं तुम्हें इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए और अपने काम पर ध्यान दो। और तभी एक पक्षी आता है जिसका नाम है देव। वो अपने गधे दोस्त बो को बताता है कि आज शाही सवारी निकलेगी। इतना सुनते ही वो अपने पिता से कहता है कि उस सितारे ने मेरी किस्मत को बदलने की शुरुआत कर दी है, जो एक न एक दिन शाही सवारी का हिस्सा जरूर बनेगा। वो बाहर देखता है तो शाही सवारी वहाँ से निकल रही थी। वो बहुत तरकीबें भी निकालता है रस्सी से आजाद होने की, वो रस्सी से तो आजाद हो जाता है लेकिन उस चक्की का हाल बहुत ही बुरा कर देता है। तभी उस चक्की का मालिक आ जाता है। वो चक्की का ऐसा हाल देखकर गुस्से में वो को मजबूती से बांध देता है। वो कहता है एक न एक दिन मैं यहाँ से आजाद होकर अपने सपने जरूर पूरा करूंगा।